करें, लेकिन उससे पहले देश की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में बोरा समाज की एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने मणिक बाग में सैफी मस्जिद में कहा कि सैयदना साहब ने समाज को जीने की सीख दी है। बोरा समाज दुनिया को भारत की इस ताकत से परिचित करा रहा है। शांति, सद्भाव, सत्याग्रह और राष्ट्रभक्ति के प्रति बोरा समाज की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसरो में 1984 में कथित जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वैज्ञानिक नब्बी नारायण को राहत दी है। अदालत ने कहा है कि नब्बी नारायण की गिरफ्तारी किया जाना गैर जरूरी था, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने नब्बी नारायण को बरी कर दिया था। कांग्रेस ने इस मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन को निशाना बनाया था, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के देश छोड़ने के मामले में सीबीआई ने गुरुवार को सफाई दी। जांच एजेंसी ने कहा है कि माल्या के खिलाफ 2015 के लुक आउट सर्कुलर में बदलाव करना एरर ऑफ जजमेंट था। पहले सर्कुलर में कहा गया कि माल्या को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया जाए। बाद में सर्कुलर को बदल कर कहा गया कि माल्या के नजर आने पर एजेंसी को सूचित किया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि ये बात समझ से परे है कि सीबीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजाजत के बिना ही विजय माल्या के खिलाफ लुक आउट नोटिस बदल दिया होगा। राहुल ने ये बात सीबीआई के 2015 में जारी किए हुए दो सर्कुलर के संदर्भ में कही। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A यानी दहेज प्रताड़ना को लेकर पिछले साल जुलाई में दिए गए अपने आदेश में सुधार किया है। अब ऐसे मामले में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने फैसले में बदलाव करते हुए कहा कि पीड़ित की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत का विकल्प खुला है और कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि दहेज प्रताड़ना के मामलों को देखने के लिए हर जिले में एक परिवार कल्याण समिति बनाई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट पर ही आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिवार कल्याण समिति की जरूरत नहीं है। साल 2017 में सहारनपुर में जाति दंगे फैलाने के आरोप में जेल में बंद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण को रिहा कर दिया गया है। रिहा होने के बाद रावण ने भारत समाचार से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो गठबंधन का समर्थन करेगा और बीजेपी को उखाड़ फेंकने में मदद करेगा। प्रतापगढ़ जिले में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बेखौफ गुंडों ने जमीनी विवाद में पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना अंतु थाने के गढ़वारा बाजार की है। बताया जाता है कि मृतक दंपत्ति ने जमीन विवाद में बदमाशों के खिलाफ पहले भी शिकायत की थी। उस समय पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हत्या की वारदात को पुलिस स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया। दिल्ली में तिलक नगर में एक युवती की बेरहमी से की जा रही पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का बेटा है, जिसका नाम रोहित तोमर है। आरोपी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। महिला को बेरहमी से पीटे जाने का ये वीडियो इतना परेशान करने वाला था कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक्शन में आना पड़ा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ठाकरी में सुबह एक मिनी बस फिसलकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, 16 जख्मी हुए। गंभीर रूप से जख्मी 11 लोगों को हेलीकॉप्टर से जम्मू के अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की मदद का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश पुलिस का निर्दयी चेहरा सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस नशे में धुत एक चोर के बाल पकड़कर घसीटती हुई ले गई। ये वीडियो मध्य प्रदेश के सागर का है, जहां सिविल लाइन थाना इलाके में के पथरिया में महाराजा वेली कॉलोनी में एक चोर चोरी करने के बाद भाग रहा था। चोरी कर छत से कूदने पर चोर घायल हो गया और चोरी का सामान बिखर गया। इलाके के लोगों ने उसे पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। फिर पुलिस ने इस तरह से घसीटा उसको।